हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर YouTube चैनल। और गाइस, फाइनली Flipkart का बिग बिलियन डे सेल यहां पर स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली प्लस मेंबर्स लोग के लिए यहां पर सारी डील्स जो है अभी आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन जो सबसे धमाकेदार डील थी LGG8X, जिसका मैं भी वेट कर रहा था, आप भी वेट कर रहे थे, हम सब 12 बजे लाइन लगाए कार्ड वगैरह डाल के जो बैठे थे, लेकिन ये कमिंग सून पे अटक गया, ये हमें नहीं मिला। तो क्या ये LG की तरफ से फेक सेल था या Flipkart की तरफ से फेक सेल था, और बॉक्स में क्या इसमें हमें चार्जर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ओवरऑल क्या एग्जैक्टली में हमें SBI के कार्ड पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, आज की स्टूडियो में सारे डाउट जो है आपके आज की स्टूडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फेक सेल नहीं था। अब क्यों नहीं था, पहले मेरे को भी लगा था कि ये फेक सेल है। मैं 11:30 से रेडी था, सब SBI का कार्ड ये वो सारी चीजें डाल के बैठा था, लेकिन वो सेल पे जब आया 55,000 रुपीस पहले बता रहा था, लेकिन सेल स्टार्ट हुआ तो वैसे ही 19,999 वगैरह वहां पर आ गया था, और कमिंग सून बता रहा है। मैं बोला शायद ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो लगता पेज वेज हैंग हो गया, लेकिन उसके बाद में मैं ट्राई करते गया नहीं आया, तो मेरे को लगा यार फेक सेल शायद मतलब उल्लू बना दिए सबको, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैंने वापिस से पेज वगैरह रिफ्रेश कराओ, नीचे जाके देखा तो वहां पर लिखा हुआ है सेल स्टार्ट एट मिडनाइट। तो तीन चार स्मार्टफोन थे, रियलमी के, नार्जो के कुछ स्मार्टफोन थे, और LGG8X भी था। तो फ्लिपकार्ट वाले लोग इतने मतलब LG वाले इतने ईमानदार है कि प्लस मेंबर और जो नॉर्मल कस्टमर है उन लोगों को भाई साथ ही में यहां पर हम स्टॉक में यहां पर अवेलेबल कराएंगे। मतलब आज रात 12 बजे से यहां पर जो है LGG8X सेल पे जाने वाला है। तो अगर आप अभी ट्राई करे थे तो टेंशन की बात नहीं है, अभी कुछ ही घंटे मतलब रात के 12 जब बजेंगे तो वहां पर जो सेल बाय नाउ वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब स्टॉक कितना रहेगा, नहीं रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, हजारों में रहेगा, वो सारी चीजें पता नहीं है, लेकिन हाँ रात में 12 बजे से जो है ये सेल स्टार्ट होने वाला है। अभी के लिए जिसको लग रहा है भाई फेक सेल था या उल्लू बना वगैरह, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। एक और एक चांस हमारे पास है LGG8X को परचेस करने का। दूसरी चीज, बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तुम्हारे जो C4 E-Tech के ऐश है, उन्होंने यहाँ पर जो है ट्विटर पे LG से पूछा था कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई यहाँ पर जो है बॉक्स में जो हमें चार्जर अडेप्टर वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो LG ने, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे भाई ये ओरिजिनल फोन रहेगा या रिफर्बिश फोन रहेगा, क्योंकि बहुत सस्ता है ना, 55,000 का, 20,000 का। तो LG ने उनको यहाँ पर रिप्लाई करके ये जवाब दिया कि ये जी हाँ, आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही क्या यार, मतलब चार्जर तो देना चाहिए, लेकिन कंफर्म हो चुका है सेल में जितने भी LGG8X के यूनिट बिकेंगे उसमें आपको चार्जर एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो एडेप्टर नहीं दे रहे तो मेरे हिसाब से ईयरफोन भी शायद आपको देखने को ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। और रिफर्बिश फोन की बात करें तो LG ने कंफर्म कर दिया है कि जो भी डिवाइस यहां पर सेल में सोल्ड आउट होंगे 20,000 रुपए की रेंज में, सारे जो है नए डिवाइस रहेंगे, रिफर्बिश नहीं रहेंगे। तो ये जो भी लोगों के यहाँ पर दिमाग में चल रहा था ना कि रिफर्बिश आएगा, सेकेंड हैंड आएगा या यूज करा हुआ फोन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांड अगर बोल दिया है तो यस जी हाँ, आपको नया स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और फाइनली SBI के जो डील्स वगैरह, अभी जो सेल तो स्टार्ट हो चुका है, तो कितने में यहाँ पर कौन सा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल बता दूं, LGG8X परचेस करते हो, 20,000 रुपए उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है, SBI का कार्ड जो है वो इस पे यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो, और अगर आप SBI के डेबिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करते हो, कोई भी स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट से लेते हो, तो मैक्स डिस्काउंट जो है आपको 1,250 रुपए का देखने को मिलेगा। मेरे को लगा था ज्यादा मिलेगा, लेकिन डेबिट कार्ड के लिए जो है सिर्फ 1,250 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 1,750 रुपए तक के मैक्स डिस्काउंट आप उठा सकते हो। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो है 500 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिट कार्ड में, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। दोनों में यार ज्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड रहता है, तो उनको उस पर भी जो 1,750 या 2,000 रुपए का डिस्काउंट
लेना चाहिए था, बस SBI के डेबिट कार्ड पर सिर्फ 1250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप LGG8X परचेस करने वाले हो तो डायरेक्टली लोगे तो आपको 20,000 रुपए में पड़ जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से लेते हो तो आपको 18,750 रुपए पे करना पड़ेगा, और अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हो तो आपको 18,250 रुपए यहां पर पे करना पड़ेगा। वैसे सेल आपको जेन्युइन है, रात में 12 बजे ट्राई करना, डेफिनेटली मिलेगा। मैं भी खुद परचेस करने वाला हूं। और ओवरऑल अगर पूछते हो यार फोन कैसा है, फोन जबरदस्त है, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे भाई डुअल स्क्रीन वाला केस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर यार वो नहीं मिलेगा तो फोन का फायदा ही क्या है, उसके लोग तो मैक्सिमम लोग यहां पर इसे परचेस करें, तो वो तो मेन यहां पर आप बोल सकते हो हाईलाइटिंग फीचर है वो स्मार्टफोन का, तो बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कंफ्यूजन थे लोगों के दिमाग में जो कि मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप LGG8X के लिए लाइन लगाए थे या नहीं लगाए थे, और क्या आप ये फोन को परचेस करने वाले हो नहीं करने वाले हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।